अगर मेरी वीडियो आपको पसंद लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। हेलो फ्रेंड्स, झटपट किचन रेसिपीज़ में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज हम एक बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार रेसिपी बनाने जा रहे हैं और उस रेसिपी का नाम है मटन कोरमा। तो फ्रेंड्स, चलिए आज की रेसिपी को शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने 1 kg मटन लिया है, इसे मैंने बड़े बड़े साइज़ में काट लिया है और इसे मैंने अच्छे से वॉश करके पानी स्ट्रेन आउट करने के लिए रख दिया है। तो मैं इसे एक साइड रख देती हूँ। प्याज हमने लिया है 3 बड़े प्याज, इसको मैंने रफली चॉप कर लिया है, और 3 मिर्चें लिए हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है 1.5 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, ये 1.5 टीस्पून अदरक का पेस्ट, कुछ हमने खड़े मसाले लिए हैं जिसमें 2 तेज़पात लिए हैं, 18 से 20 लौंग लिए हैं, 3 दालचीनी के पीसेस लिए हैं, 5 से 6 छोटी इलायची, 1 छोटी चम्मच हमने काली मिर्च लिए हैं, 3 बड़ी इलायची और 2 जावित्री। तो फ्रेंड्स, ये हमारे खड़े मसाले हैं। तो जब हम मटन कोरमा बनाना शुरू करेंगे तो हम इसे पीस के डालेंगे, यानी कि हम इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपने इसका एक फाइन पेस्ट बना लेना है। दही लिए हमने 3 बड़े चम्मच, पूरा अच्छे से इसे हम फेंट लेंगे। कुछ हमने सूखे मसाले लिए हैं जिसमें इस चम्मच के मेज़रमेंट से मैंने 2 चम्मच मैंने जीरा पाउडर लिया है, 2 बड़े चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया है, 1.5 इस चम्मच के नापी से मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1 चम्मच मैंने काली मिर्च लिया है, काली मिर्च पाउडर, 1.5 टीस्पून मैंने सॉल्ट लिया है, 1/2 चम्मच मैंने हल्दी लिया है और 1 बड़ी चम्मच मैंने कूटी लाल मिर्च लिए है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये हमारी आज की इंग्रेडिएंट्स है, इससे हम मटन कोरमा की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मटन कोरमा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में सरसों का तेल डाल दिया है 3 बड़े चम्मच, और तेल भी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें हमारा स्लाइस किया हुआ अनियंस डाल देंगे। और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें एक एक करके हमारा गोश्त के पीसेस को ऐड कर देंगे। फ्लेम हाई रहेगी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने सारा मटन के पीसेस को ऐड कर दिया है। तो अब हम इसे अच्छे से चला लेंगे। दो मिनट तक हम इसे ऐसे ही कढ़ाई में छोड़ देंगे भूनने के लिए, जब तक कि गोश्त का कलर चेंज नहीं हो जाता। इसे हम ढक देते हैं, 2 मिनट तक हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स, टोटल 2 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं हमारा मटन अच्छे से कलर चेंज हो चुका है हमारा मटन का। इसे अच्छे से एक बार चला लेंगे। तो इस स्टेज पे अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। और साथ ही हम इसमें जो हमने नमक लिया था उसमें से हम 1/2 नमक हम इसमें अभी डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने हमारे मटन के पीसेस को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं फ्लेम को लो कर दूंगी और जो भी मैंने
पिसा हुआ मसाला लिया था, सब मैं इसमें डाल दूंगी। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने हमारे मटन के पीसेस को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे ज़्यादा छेड़ेंगे नहीं, इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। और अब हम इसमें मिर्चा ऐड कर देंगे, आधी कटोरी पानी, ताकि हमारा गोश्त जले ना। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसे हम ढककर 10 से 15 मिनट के लिए गलने के लिए छोड़ देंगे। गोश्त को गलने में 20 से 25 मिनट भी लग सकता है, इसलिए आप बीच में खोल खोल के एक बार चेक करते रहे। तो फ्रेंड्स 10 मिनट हो चुके हैं, इसे खोल के एक बार हम चला लेंगे। हमारा मटन 80% तक गल चुका है। तो इस पॉइंट पे अब हमने जो दही लिया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स इसका कलर कितना सुंदर आया है और ये दिखने में भी कितना अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स हमने दही को अच्छे से मिक्स कर लिया है हमारे मटन में। तो अब हम इसे ढक देंगे और लो फ्लेम पे हम इसे और 5 मिनट के लिए भूनने के लिए छोड़ देंगे। फ्रेंड्स टोटल 5 मिनट हो चुके हैं, हमारा मटन कोरमा भी बनकर रेडी है। इसे हम एक बार मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कोरमा बहुत ही सुंदर बनकर तैयार हुआ है और हमारा मटन के पीसेस भी बहुत अच्छे से फ्राई यानी भून गए हैं अच्छे से। तो फ्रेंड्स आप अपने ज़रूरत के अनुसार कोरमा को गाढ़ी या पतली कर सकते हैं। मैं यहाँ पानी नहीं डालूँगी इसमें, मुझे ऐसे ही पसंद है। आप अपने ज़रूरत के अनुसार इसमें पानी आप डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत ही ज़बरदस्त की कोरमा, मटन कोरमा हमारी बनकर रेडी है। मैं आपको जूम करके थोड़ा दिखा देती हूँ, आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार की मटन कोरमा बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स आप इसे अपने घर पर ज़रूर बनाएं। वीडियो पसंद आई हो तो फ्रेंड्स लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक अलग रेसिपी में, एक अलग ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।